प्रस्ताव जाते हैं, वे आगे कुछ और रह गया होगा तो आ जाएंगे। 21 प्रस्ताव है। एक आरएसएस की किताब को लेके एक बात कही आपने, भाई आरएसएस की किताब में हमारा क्या मतलब है? मतलब हमारे किताब छाप रहा क्या, क्या है उसमें? उसमें ये कह रहा क्या के हम ना खालिस्तान न्यू का समर्थन कर रहे हैं और हम खालिस्तान न्यू के साथ में है। भाई वो बता दे कहाँ कहाँ है हम, किसके साथ में, क्या सबूत है वो बता दे। क्या देश में पूरे सरदार खालिस्तानी है? वे खालिस्तान जाए, मुसलमान पाकिस्तान जाए, हम कहाँ जाए हमें बता दो। जिसने भी हमारे खिलाफ करा है हम उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, आरएसएस की शाखा का पूर्ण रूप से वहाँ पे विरोध करेंगे। जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आता, कितनी किताबें बांटी हैं, अगले लेख में हमारे परिवार के बारे में जो छपा है, संगठन के बारे में छपा है, उसमें वो ठीक तरीके से छपे। जो हमारी छवि खराब करने की कोशिश करेगी हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। मुकदमा भाई जिसने लिखी होगी, जिसने किताब छपी होगी, दोनों के खिलाफ होगा। पता नहीं राष्ट्रदेव बता रहे लेखक है अग्निपथ को लेके भी कोई आवेदन निर्णय? अग्निपथ में 30 तारीख में जिला मुख्यालय पर हम जाएंगे, प्रदर्शन होगा, वही ज्ञापन देंगे, वहाँ उस दिन रहेंगे, पट्टे क्या रहेगा, अगला निर्णय वहाँ से ही लेंगे। जैसे बच्चे चाहेंगे हम ऐसे करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहें और हम बच्चों के साथ में पूर्ण रूप से। 4 साल की नौकरी नहीं होती, 4 साल का तो बहकावा और कागजों में लिखी जा, 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? विधानसभा एमपी एमएलए 4 साल में ये कोई प्रस्ताव जा सकते हैं कि हम एक बार लड़कर दोबारा नहीं लड़ेंगे? ये भी ले आवे अपने को और ये भी पेंशन नहीं लेंगे, 4 साल का कर दे, 5 साल का ही रखना, लेकिन ये कर दे कि जो एक बार लड़ेगा वो दोबारा नहीं लड़ेगा, हम ये प्रस्ताव लेंगे। हम भी सोच लेंगे पॉलिटिकल आदमी भी 4 साल ही रहेगा, ये चलेगा नहीं देश में, देश संविधान से उससे चलेगा, देश ये नहीं कि जो कुछ ये कहेंगे उसी से ही चलेगा, ये तो जनता है। कल को कोई मार्च भी कर रहा है यहाँ से वहां तक, जहाँ तक जाएंगे मार्च करके जाएंगे। इसके अलावा कौन और तोड़ने से किन किन विषयों के विचार में? यही है, और तो गन्ने के है, यहाँ पे 100 करोड़ रुपया हरियाणा का है, उत्तराखंड में उस पे है, हरियाणा उत्तराखंड के बारे में बातचीत हुई कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे दी जा, तो बहुत से इशू यहाँ पे है, जल पे है, एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, वो सारे इशू हैं। यहाँ तो किताब छटेगी नहीं तो रोड़ा होगा हमारा, शाखा हमारी भी लगेगी वही लाठी के साथ भी लगेगी, हमारी भी लगेगी शाखा, हाँ हमारी भी लगेगी शाखा भाई, यहाँ तो ऐसा छाट लो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो, नहीं तो भाई हमारी भी शाखा लगेगी। तो बढ़िया चलानी भाई, हम भी किताब बांटेंगे ना, फिर हम भी बांटेंगे। किसान की लाठी, संघ की लाठी, हाँ सर, किसान की लाठी तो परमानेंट है, तो फर्जी राख रहे ये।